एवरीवन, आई एम दिव्यांश रंगी फ्रॉम रेजोनेंस। हम जैसा कि जानते हैं कि रेजोनेंस ने रिसेंटली ही इंटीग्रेटेड डे बोर्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा है और आज हम उसी कैंपस में हैं, तो एक बार हम आपको इस कैंपस का विजिट करवाएंगे और बताएंगे कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और स्टूडेंट्स यहाँ पर किस तरीके से रहेंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और इनके डॉर्म्स हैं। स्टूडेंट्स के यहाँ पर रहने की फैसिलिटी है, इनको बेड प्रोवाइडेड है एंड इनकी कैंटीन की फैसिलिटी भी यहीं पर है, ये हम आपको विजिट करवा देंगे। एंड अगर हम साइड में बात करें तो दिस इज़ द प्लेग्राउंड फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्लेग्राउंड है। अगर थोड़ा और आगे की बात करें तो देर इज़ बास्केटबॉल कोर्ट जो बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद भी एक ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे फुटबॉल एंड क्रिकेट जैसे वेरियस स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अब हम आपको एक बार हमारा कैंपस विजिट करा देते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो दीज आर द डॉर्म्स व्हाट लुक लाइक, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमने रूम प्रोवाइड करे हैं वो यहाँ पर बेड, उनके लिए स्टडी टेबल एंड अलमीरा जो है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। सबको एक सेपरेट कंपार्टमेंट दे रखा है और एक डॉर्म में 3 स्टूडेंट्स के रुकने की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम बच्चों को बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन एंड बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो खाना कहाँ पर खाएंगे, उनका किचन, उनका मैस, उसके बारे में एक बार हम बात करें। तो अब हम आपको एक बार मैस एरिया विजिट करवा देते हैं जहाँ पर बच्चे अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करेंगे। तो दिस इज द मैस एरिया, अभी लंच टाइम चल रहा है और ये सब अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी यही कोशिश है कि हम बच्चे को हाइजीनिक और बॉडी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। एक बात और, यहाँ पर जो भी लंच का मेन डेली चीज होता है तो ताकि बच्चे बोर ना हो। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेजोनेंस का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो चालू हो चुका है और कुछ पेरेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम एक बार उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे, उनका एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है यहाँ का रेजोनेंस के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का। तो सर आप हमें बताइए, पहले तो सर आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिंह। सर आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तर प्रदेश से। सर उत्तर प्रदेश से आए हैं, ठीक है। तो एक बार सर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सर आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? ठीक लग रहा है, प्लेग्राउंड है, सब कुछ है, किचन भी ठीक है, अच्छा है, बच्चा को ठहरने की व्यवस्था ठीक है सर, बच्चे रहेंगे, सब कुछ ठीक लग रहा है। ओके, तो सर को सब कुछ अच्छा लगा है। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, रूम्स वगैरह में सब साफ सफाई के बारे में आपको कहना चाहेंगे? साफ सफाई एकदम हो गया है, सब ठीक दिख रहा है, सब ठीक दिख रहा है और बाथरूम वगैरह भी सब ठीक दिख रहा है। ओके सर, तो सर हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने रेजोनेंस का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपको ये इतना क्यों पसंद आया, आपने ये यही प्रोग्राम क्यों चूज़ करा सर? असल बच्चा इसमें अंदर रहेगा, सुरक्षा भी रहेगी और बच्चे को अगर हम बाहर रूम करवा दी तो पता नहीं बच्चा किधर घूमे, कितने टाइम कहाँ बैठे, तो पता नहीं है, पढ़ने का लिखने का कोई पता नहीं चलेगा। और यहाँ रहेगा तो सब नज़रों में रहेगा, पूरे स्टाफ रूम, इसलिए इसको हमने पसंद किया। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब कि जैसे बच्चा अगर बाहर रहता है तो वहाँ पे मतलब बच्चा गलत लाइन पे चल जाए तो? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, बच्चा गलत लाइन पे 80% जाते हैं, 20% भी बच्चे बच पाते हैं तो गलत लाइन से बचे जाते हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ तो गलत लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बच्चा अंदर ही रहेगा, एक रूम में 3 ही बच्चे रहेंगे, तो यहाँ तो बिगड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसी उद्देश्य से हमने इसको यहाँ चुना। ओके सर, तो मतलब बहुत अच्छा लगा सर ये चीज़ सुन के हमको। ओके सो थैंक यू सो मच सर। आपको कुछ और पेरेंट्स से बात करवाते हैं और उनके थॉट्स आपको बताते हैं कि वो कैसा फील करें। सर आपका नाम? मैडम संतोष। मैम आपका नाम? सर कहाँ से हैं आप? सो सर छत्तीसगढ़ से आए हैं और यहाँ रेजोनेंस के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का पार्ट बने, तो सर आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हर पेरेंट को एक चिंता रहती है कि हमारा बच्चा कैसा खाना खाएगा, वो साफ सफाई में रहेगा नहीं रहेगा, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होगा नहीं होगा। तो मैम खासकर की मदर्स को ही शिकायत रहती है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की हाइजीन, यहाँ का फूड, इस बारे में आपका क्या कहना है?
की साफ सफाई जो हाइजीन यहाँ पर मेंटेन करी जा रही है। एंड सर मेन क्वेश्चन यही है कि आपने रेजोनेंस का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही क्यों शुरू किया? क्योंकि क्या है अभी आज का कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, तो मुझे लगा था कि मतलब अच्छे स्टूडेंट को मुझे पढ़ाना चाहिए क्लास एट से, मेरा बेटा क्लास एट में है जब जस्ट क्लास एट में एडमिशन लिया, तो इसलिए मैंने रेजोनेंस के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और जब पता लगा कि ऐसा हॉस्टल फैसिलिटी भी चालू की है रेजोनेंस से, इसलिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब में मैंने नीरज गुप्ता सर का यूट्यूब का प्रोग्राम भी देखा था, उन्होंने जस्ट इस बार चालू होने से पहले यूट्यूब में डाला था वीडियो, वो भी देखा था, तो ये समझा था कि मुझे अच्छा लगा इसके हम लोग यहाँ। तो जैसा कि हमने देखा था ये यूनिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और इसी वजह से पेरेंट्स इसे चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट, एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये थे कुछ पेरेंट्स जिससे हमने आपको वार्तालाप या आपका इंटरव्यू कराया, इंट्रोडक्शन करवाया। थैंक यू सो मच।